अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सुलेखा अरफान, सुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम, मैं आप लोग की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन शोरमा पॉकेट। बहुत ही आसानी से बन जाता है, झटपट है, ईजी है, क्विक है, और रमज़ान के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अच्छा, नॉर्मल डेज रमज़ान ना हो तब भी आप बना सकते हैं, पार्टी शार्टी हो तब बनाए, खाएं, इंजॉय करें, बच्चे भी खा सकते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी है, अलग से डिफरेंट टाइप की डिश हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। वैसे हाँ, कुछ रमज़ान की रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे, इनफैक्ट प्ले लिस्ट का लिंक ही मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। खूब सारी रेसिपी है, बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और दुआओं में जरूर याद रखें। सो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, यह है तकरीबन 500 ग्राम्स, आधा किलो चिकन बोनलेस है। इसकी मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए, चर्बी निकाल ली, दो तीन पानी से धो के 10-15 मिनट साइड पर नितान्ना छन्नी के ऊपर रख दिया था। जब 10-15 मिनट हो गए तो ये बाउल में डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, या फिर एक छोटा चाय चम्मच नमक डाल दीजिए। यह एक छोटा चाय चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, एक या सवा छोटा चाय चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालें, आधा छोटा चाय चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चाय चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा नींबू का रस डाल दीजिए। इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। मुझे तकरीबन 500 ग्राम के हिसाब से मेजरमेंट्स डालने थे, मैंने 250 ग्राम के हिसाब से डाले, तो उस हिसाब से अब हमें दही, अगर आप 250 ग्राम बनाते हो तो वहाँ तक सारा वही रखिए, लेकिन 250 ग्राम की दही तकरीबन समझिए ना 4 टेबल स्पून ही लगेगी। तो अब मैं डालती हूँ 7 से 8 टेबल स्पून दही, क्योंकि हमने आधा किलो चिकन की ले रहे हैं ना। और जो सारे मसाले हैं उनकी क्वांटिटी भी मैं आगे बढ़ा देती हूँ, जैसे कि आधा छोटा चाय चम्मच गरम मसाले का पाउडर एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, आधा छोटा चाय चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चाय चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चाय चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर मिक्स कर लीजिए, आधा नींबू का रस भी डाल देती हूँ। और मुझे थोड़ा सा है वो कम लग रहा है स्पाइस, तो मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपको ये ऑप्शनल है दोनों, अगर आपको नहीं डालना तो कोई बात नहीं। सारी चीज़ों को मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने साइड पर रख दीजिए। चलिए, 1 घंटा मैरिनेशन को हो गया, तो कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, आधा या 1 टेबल स्पून मक्खन मस्का बटर डाल दीजिए और हल्का मेल्ट हो जाए तो ये मैरिनेट करी हुई चिकन सारे मैरिनेशन के साथ डालकर इसे फास्ट आंच पर फ्राई करें, बार बार चलाते रहें और तब तक पकाएं जब तक ये जो चिकन का पानी है ना ऑलमोस्ट सूख नहीं जाता। जब ऑलमोस्ट सूख जाए ना तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और इसे ढक कर तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती, तो उसमें जो बचा कुचा पानी है वो भी सूख जाएगा। चलिए, कुछ देर बाद चिकन को खोलकर चेक कर लीजिए। देखिए, मुझे तो दिखने से ही गल चुकी लग रही है और पूरी तरीके से सूख भी गई। अब मैं ज़्यादा एकदम नहीं सुखा रही हूँ, आप चाहे तो पूरी तरीके से फास्ट आंच करके सुखा लें। मुझे हल्की हल्की मसाले लगी हुई बहुत अच्छी लगती है, तो हम वैसे ही खाते हैं। मैं इसका चूल्हा कर दी हूँ बंद और यहाँ एक स्टील की वाटी रख दीजिए, उसमें गरम कोयला करके गरम गरम रख दीजिए और उसमें थोड़ा सा तेल, घी या मक्खन डालें, उसके ऊपर क्विकली ढाके ढक्कन से, उसके ऊपर कुछ वजन रख दें और 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। 5-10 मिनट हो जाए तो कोयला निकाल कर फेंक दें और ये बन गई हमारी चिकन एकदम बढ़िया सी। अब हम चलते हैं आगे की प्रिपरेशंस पर। ये है रेड चिली गार्लिक चटनी, 5 मिनट में बन जाती है, इंस्टेंट वाली है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कमेंट में बोलिए, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़रूर बनाऊंगी और बताऊंगी आपको। अच्छा, अब एक बड़े से बाउल के अंदर 3/4 कप मायोनीज डाल दीजिए, एक छोटा चाय चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दीजिए और एक छोटा चाय चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटा चाय चम्मच ऑरेगानो मिक्स थोड़ा सा हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो इसकी हर्ब्स हो तो, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद टेस्ट कर लीजिए, अगर लगे तो मैं यहाँ सिरका डाल रही हूँ आधा छोटा चाय चम्मच। अब वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिए, आधा, एक, वो आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं या टोटली स्किप कर सकते हैं। मैंने आधा डाला है छोटा चाय चम्मच सिरका। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। ये हैं कुछ सब्जियां, मैंने बारीक बारीक लंबी लंबी काटी हैं, ये प्याज है, ये तीनों टाइप की शिमला मिर्च है, आधी ली है लंबी लंबी काटी है, ये पत्ता गोभी है थोड़ी सी काटी है लंबी लंबी, और ये गाजर है, एक गाजर था उसको लंबा लंबा काटा है। इसमें से
ये थोड़ी थोड़ी सारे डाल दीजिए। अच्छा, कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और सब्जियां भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जो चाहिए आप वो डालें, और आपको जो नहीं चाहिए आप मत डालिए, स्किप कर दीजिए, या एक्स्ट्रा कोई और डालनी है तो वो डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे साइड पर रख दीजिए। ये है पीटा ब्रेड, मैंने बाजार से मंगाया है, ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं इसकी रेसिपी भी बताऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज्यादा होंगे लोग कहेंगे तो मैं जरूर बना के बताऊंगी आपको, मेरे चैनल पर अपलोड करूंगी। मैं एक फ्राई पैन को थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर रही हूँ, आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। और ये जो पीटा ब्रेड है इसके ऊपर उलट पलट करते हुए अच्छे से मक्खन लगा लीजिए सब पीटा ब्रेड के ऊपर, और इन्हें ग्रिल कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए कहिए तो उलट पलट करते जाएं और उसे अच्छा सेक लें। जब अच्छा सेक लें और हल्का गर्म हो जाए, मीडियम आंच रखिएगा, उलट पलट करते जाएं, अच्छा सेक जाए तो निकाल कर साइड पर रख दीजिए। तो ये अब ग्रिल करे हुए हमारे पीटा ब्रेड को बीच में से इस तरीके से काट लीजिए, और ये जो आधे जो कटे हुए हैं पीटा ब्रेड, इन्हें छुरी की मदद से स्लिट मारेंगे ना बीच में से, आहिस्ता से आराम से कीजिएगा, और डीप नीचे तक स्लिट मारेगा तो इस तरीके से पॉकेट्स बन जाएंगे। अब ये एक स्लिट मारा हुआ ये पॉकेट लीजिए हमारा पीटा ब्रेड, आप चटनी लगाइए। आप ये तो मैंने घर की बनाई हुई है, आप चाहें तो बाजार की भी गार्लिक चिली चटनी आती है वो नीचे बेस पे लगा सकते हैं। और अब यहाँ पर नीचे आप चिकन के पीसेस डाल दीजिए और दो तीन, और ये जो हमने बनाकर रखा है मायोनीज का सैलड टाइप, ये भी सारा थोड़ा सा डालिए, दो तीन टेबलस्पून जितना, या कितना आपने डालना है वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेस करते जाइए कि वो थोड़ा फैलते जाए, लेकिन संभाल कर कि फट ना जाए। और फिर से उसके ऊपर मैं चिकन के पीसेस रख रही हूँ और अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए बन गए ना हमारे, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। वैसे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया था, आप अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च का पाउडर डालें, और जहाँ जहाँ खटास डाल रहे हो वहाँ पर भी अपने स्वाद अनुसार डालें। घर की जब बनती है पीटा ब्रेड तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, और ज़्यादा कई गुना सॉफ्ट बनती है, तो कोशिश करें घर की पीटा ब्रेड से बनाएं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सबसे पहले जब मैं बेस में रेड चिली गार्लिक चटनी लगा रही हूँ वो स्किप कर दीजिए, बाकी सारा सेम रहेगा, और मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालें तो बच्चे भी इंजॉय कर सकेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ये लिंक्स फॉरवर्ड कीजिएगा ये वीडियो के, और आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा आपके फीडबैक्स। मुझे फीडबैक्स देखने पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। सो फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।